अस्सलाम वालेकुम व्यूवर्स, क्या हाल है? ठीक है, आप देख रहे हैं मेरा चैनल, मैं हूं मोहम्मद जवाद अली। तो व्यूवर्स, आज मेरा जो फर्स्ट व्लॉग है, तो जैसा कि मैंने बताया, मेरा नाम मोहम्मद जवाद अली है। तो व्यूवर्स, आज से हम सारे व्यूवर्स जो आप हैं और मैं, आज से हम पक्के पक्के दोस्त बन गए हैं। ठीक है, तो आज से जैसे ही मेरी डेली की जो रूटीन होगी, मतलब जिस तरह सारी रूटीन होगी, क्या क्या हाल होता है, सारी चीजें मैं आपके साथ शेयर किया करूंगा। ठीक, तो आपने चैनल को सब्सक्राइब करना है और लाइक और बेल आइकॉन का बटन दबा देना है, क्योंकि हम ये फर्स्ट चैनल बना रहे हैं, और ताकि आपका और हमारा ताल्लुक जो नई नई वीडियो में बनाऊं, ताकि आप तक वो वीडियो पहुंच सके। ठीक है, तो व्यूवर्स, आज जुमे का दिन है, तो मैं ऐसे छुट्टी है, तो मैंने सोचा है शाम का टाइम है, तो बाहर घूमने के लिए जा रहा था, तो आइडिया आया कि व्लॉग बनाते हैं, तो इस तरह एक चैनल बनाते हैं, तो मैंने स्टार्ट कर दिया। तो व्यूवर्स, आज ये मैंने फर्स्ट व्लॉग बना रहा हूँ, तो देखें क्या क्या होता है, हम कहाँ जाते हैं अभी कुछ पता नहीं है, क्या करते हैं ये भी कुछ पता नहीं है, कोई आइडिया नहीं है। जैसे जैसे होता जाएगा आपको मैं साथ साथ बताता जाऊंगा क्या क्या हमारे साथ हो रहा है और हम कहाँ कहाँ जा रहे हैं। ठीक है व्यूवर्स, ओके, तो बाहर चलते हैं। जी व्यूअर्स, तो मौसम बहुत अच्छा हो चुका है, तो आज हम घूमने के लिए बाहर जा रहे हैं, तो मैंने कहा आपको भी साथ लेकर चलते हैं। तो चलो आपको दिखाते हैं बाहर, कुछ दवाई भी लेनी थी वो भी लेते हैं और घूम फिर के आते हैं। तो मैं व्यूअर्स आपको साथ ही लेकर चलेंगे। जी व्यूअर्स, ये देखें जी, ये बाहर का सीन है। पापा मैं काम जा रहा हूँ, अभी आ रहा हूँ। ठीक है, ये देखें जी, ये बाहर का मौसम है। जी व्यूअर्स, तो हम बाहर आ गए हैं, तो अब हम जा रहे हैं। ये देखें जी, ये बाहर का मौसम है, आज बड़ा ही जबरदस्त मौसम है जी। तो हम चलते हैं बाहर। ये देखें जी, ये रज्जी की दुकान है और ये साफ साफ खड़े हैं जी। क्या हाल है साहब? ठीक है। ये फारूक भाई खड़े हैं जी। तो ये देखें जी, क्या सीन है, क्या माहौल है जी इधर। ये कितनी शाह साहब ने रोडें बनवाई हैं हमारे, क्या पाँच शाह साहब, पाँच शाह साहब जी बस। तो ये देखें, ये घास है यार, ग्रीनरी को जब बंदा देखता है ना, कितना ही प्यारा लगता है। तो चुटकी बजाते हैं और आपको लेकर चलते हैं बन पर। जी ये सामने देख रहे हैं, बन आ चुका है, क्या सीन है, क्या नजारा है। ये देखें जी, दोस्त दो जा रहे हैं गप्पे मारते हुए। शाबाश शाबाश, क्या बात है, देख रहे हैं गधा। ये देख, जी व्यूअर्स, तो यहाँ आप देख रहे हैं ये ऊंट खड़े हैं, देख रहे हैं ऊंट, एक नहीं तीन ऊंट है, चार। चार ऊंट खड़े हैं भाइयों। और ये देखें जी, यहाँ से हमने ऊपर जाना है। जी व्यूअर्स, तो यहाँ से हमने ऊपर जाना है बन पर, आप सीन चेक कराते हैं बन का, और जैसे ही बन पर हम चलते हैं वो भी आपको दिखाते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, ये देखें व्यूअर्स, गाड़ी ऊपर आ गई, ये सीन है सर, वाओ। ये देखें जी, ये क्या हो रहा है,
ये आप देख रहे हैं जी व्यूअर्स, ये दो खुडे हैं, एक इस साइड पर है और एक इस साइड पर है, ये इनके कबूतर उड़ रहे हैं। ये कबूतर का सीन चेक करें व्यूअर्स, ये कबूतर कितने सारे कबूतर उड़ रहे हैं, इनका जी मुकाबला चल रहा है कबूतरों का। इधर बच्चे खेल रहे हैं, तो ये सीन है जी, कितना प्यारा सीन है जी। ये हम दरिया पे आए हुए हैं, दरिया तो काफी यहाँ से दूर है, लेकिन जब सैलाब आता है तो इस जगह पर दरिया आ जाता है। ये देखें जी कबूतर, ये ऊंट खड़े हैं, ये देखें इस साइड से हम आए हैं। ये कबूतर अब वापस वापस जा रहे हैं, कुछ उधर जा रहे हैं, कुछ उधर जा रहे हैं, कोई पता नहीं इनमें किसके कबूतर किसके पास गए। जी व्यूअर्स, तो ये देख लिया हम वन पर आ चुके हैं, और ये आप देखें जी व्यूअर्स, तो हम वन पर आ चुके हैं, आप देख रहे हैं वन का हमारे पीछे माहौल क्या है, कैसे जा रहा है। तो ये इस साइड पर देखें, ये कबूतर वगैरह दो खुडे हैं, ये इनका ये सीन है कि ये दोनों कबूतर उड़ाते हैं, जो कबूतर जिसके पास चला गया वो उसका, ये इस तरह का सीन होता है मेरे ख्याल में। ये कबूतर उड़ा रहे हैं और इधर बच्चे खेल रहे हैं, बिल्कुल ही एंजॉय कर रहे हैं, पुरसकून माहौल है। ये देखें इस साइड पर देखें, बिल्कुल पुरसकून माहौल है, अपनी अजीब सी, मतलब कि आप जब देहात में जाते हैं ना, देहात की खुशबू भी अजीब होती है। ये सब्जी लगी हुई है व्यूअर्स, ये देखें, ये आपको दिखाते हैं, ये गोभी लगी पड़ी है, ये घास है, वो गंदम है। ये देखें जी, ये कबूतर उड़ रहे हैं, सारे इकट्ठे होके उड़ रहे हैं। अब ये पता नहीं कौन सा किसके पास चला जाएगा, कौन सा किसके पास चला जाएगा। जी व्यूअर्स, तो अब चलते हैं उस एजाज की तरफ, और भूख भी लग रही है, घर चलते हैं, कुछ ना कुछ खाते हैं, देखते हैं क्या बना रहे हैं। जी व्यूअर्स, तो हम घर पहुंच चुके हैं, तो मैंने कहा क्या बना हुआ है खाने में, तो खाने में जो बना हुआ है वो भी आपको दिखाते हैं व्यूअर्स। ये देखें, आज घर में ही ये पिज्जे बन रहे हैं, तो ये देखें जी, ये पिज्जा बन रहा है, ये पतीला पिज्जा है भाइयों, ये देखें इसमें नहीं बन रहा, ये ओवन वगैरह में, ना इस ओवन में बना रहे हैं, तो ये हम सिर्फ और सिर्फ इस पतीले में बना रहे हैं, इसे हम कहते हैं पतीला पिज्जा। तो भाइयों आज हम पिज्जा खाएंगे, तो इंजॉय करेंगे, ठीक है। तो जैसे ही पिज्जा खाते हैं आपको दिखाते हैं, और रात तक क्या क्या होता है सब आपको दिखाएंगे, ठीक है जी व्यूअर्स। तो पिज्जा वगैरह हमने खा लिया है, बड़ा मजा आया, बड़ा ही जबरदस्त बना हुआ था माशाल्लाह। तो व्यूअर्स बस अब सोने की तैयारी हो रही है, तो थोड़ा सा टाइम हैदर और हुरैन दोनों नन्हे मुन्ने बच्चों को दूंगा, उन्हें कहानियां वगैरह भी सुनानी पड़ती है सोने से पहले, जब तक तो वो कहानी ना सुने तो वो सोते नहीं हैं, तो बस उन्हें कहानी वगैरह सुना के फिर खुद भी सोते हैं, बहुत नींद आ रही है। तो सुबह जैसे ही स्टार्ट होगा तो आप अपना आप डेली इंशाल्लाह व्लॉग बनाएंगे और आपको बताएंगे कैसा दिन गुजरा, क्या सीन रहा, सब चीज़ इंशाल्लाह आप हम जो रूटीन लाइफ है टोटली व्यूअर्स के साथ शेयर करेंगे डेली की, ठीक है जी। तो चैनल को सब्सक्राइब भी कर लें, लाइक भी कर लें, और बेल आइकॉन का बटन दबा दें, ठीक है। तो व्यूअर्स बस बच्चों को कहानी सुनाते हैं, कोई शेर बब्बर आ रहा था, पता नहीं क्या क्या कहना पड़ेगा, तो फिर सोते हैं, ठीक है, ओके बाय।